हेलो टेक पैरासाइट्स, सूरज मिश्रा दिस साइड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीवो T2X 5G। बजट फोन है इसका, बेस मॉडल का सेलिंग प्राइस है 12,999, मतलब 13,000 का। इसके हम डिस्कस करेंगे फीचर्स, प्रोज एंड कॉन्स, एंड क्या आपको ये फोन बाय करना चाहिए कि नहीं। अगर आप एक अच्छा फोन देख रहे हैं अंडर 15,000, तो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ बढ़िया फोन के लिंक्स दिए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आ जाते हैं वीवो T2X के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस पे। पहला, ये एक लाइटवेट फोन है 184 ग्राम का। इसका डिस्प्ले 6.58 इंच IPS LCD है और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। 18 वॉट की चार्जिंग इसमें देखने को मिल जाती है और 5000 मिली एम्पियर बैटरी है इसमें। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 6020 देखने को मिलता है, जो कि 7 नैनोमीटर बेस्ड है, और इसका Antutu स्कोर है वो 380 के आसपास निकल के आता है। यही सेम प्रोसेसर आपको Realme Narzo 60 में देखने को मिलता है, जो कि 17,000 का फोन है, और Infinix Hot 30 में देखने को मिलता है, जो कि 12.5 का फोन है। यह आपका 3 रैम वेरिएंट में आता है, एक है 4/128, 6/128 और 8/128, तीनों ही में 1,000 का प्राइस डिफरेंस है। इसके कैमरा की बात करें तो इसमें ड्यूल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है f1.8 अपर्चर का, एंड सेकेंडरी कैमरा इसका है f2.4 अपर्चर का मैक्रो कैमरा। इसमें वीडियो आप 1080p 30fps तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें 8 मेगापिक्सल का f2.2 अपर्चर के साथ कैमरा देखने को मिलता है, जो कि आपका 1080p 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। कुछ फर्दर इसके स्पेसिफिकेशन हम देखें तो इसमें आपको एंड्रॉइड 13 देखने को मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। हाइब्रिड सिम स्लॉट है, टाइप सी 2.0 आपको देखने को मिलता है, जो कि OTG सपोर्ट करता है। इसमें आपको वाईफाई 5 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिलता है। इसमें आपको 3.5mm जैक भी मिलता है, साइड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है, 5G सपोर्ट करता है ये फोन फुल्ली। इसमें आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है लेकिन काफी लाउड है वो, और FM रेडियो भी देखने को मिल जाता है। अब आ जाते हैं सीधे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स पे। तो वीवो T2X प्रोज की बात करें तो ये काफी बैलेंस्ड फोन है, सारे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस आपने सुने होंगे, काफी बैलेंस्ड है इस प्राइस के मद्देनजर रखते हुए, एंड इसकी वजह से काफी वैल्यू फॉर मनी फोन निकल के आता है। इसमें आपको इस प्राइस रेंज में एक अच्छा प्रोसेसर भी देखने को मिल जा रहा है, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी फोन रहेगा। ये काफी गुड लुकिंग फोन भी है, ऑफ कोर्स लुक्स सब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छा दिखने में है, डिजाइन काफी अच्छा है इस फोन का। लाइट वेट फोन है, हैंडी है काफी, जिसकी वजह से ये काफी मल्टीमीडिया के लिए अच्छा फोन बन जाता है। साथ ही साथ इसका जो डिस्प्ले है वो भी काफी कलर एक्यूरेट है, वाइब्रेंट डिस्प्ले है, और जो ब्राइटनेस है वो भी काफी अच्छी है, मतलब आपको आउटडोर्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस फोन को, या फिर मल्टीमीडिया कंज्यूम करने में। मजेदार बात यह है कि इस बजट में आने वाले जो भी फोन्स हैं, ज्यादातर सब में आपको ब्राइटनेस इतनी अच्छी नहीं देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ इसका जो स्पीकर है, भले ही सिंगल स्पीकर हो लेकिन काफी लाउड है, तो मल्टीमीडिया वाइज अच्छा फोन है ये। इसमें आपको बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, एक दिन से ज्यादा आपका फोन आराम से चल जाएगा सिंगल चार्ज में। इसमें सारे ही आपको नेसेसरी सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि बजट फोन्स में कहीं ना कहीं कंपनी कॉस्ट कटिंग कर देती है, जैसे कि इसमें आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जायरो सेंसर, ये जितने भी मेन सेंसर हैं सारे ही देखने को मिल जाते हैं। आ जाते हैं इसके कॉन्स पे। ऑफ कोर्स इस फोन में कई ढेर सारे कॉन्स भी हैं, लेकिन हमको बजट को मद्देनजर रखते हुए इन सारे कॉन्स को जज करना होगा। तो पहला कॉन मुझे लगा पर्सनली वो है इसका कैमरा। इतना कुछ खास कैमरा नहीं है, ऑफ कोर्स अगेन ये सब्जेक्टिव है, बट यहाँ पे जो स्किन टोन्स हैं वो मुझे इतने नेचुरल नहीं लगे। अगेन कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, सोशल मीडिया रेडी फोटोज निकालता है इसका कैमरा, बट अगेन जिनको रॉ फाइल्स पसंद है, रॉ फोटोज वो पसंद करते हैं, उनको इतना अच्छा कैमरा नहीं लगेगा। साथ ही साथ इसका जो सेल्फी है उसमें डिटेल्स नहीं है, कहीं ना कहीं 8 मेगापिक्सल उसमें बड़ा कारण है, राइट। तो ये सारी कमी मुझे कैमराज में लगी, बहुत अच्छा एक्सपोजर मैनेज नहीं करता है, कॉन्ट्रास्ट भी इतना अच्छा मैनेज नहीं कर पाता है, तो ये सारी कमी मुझे लगी। आपको देखना है कि आपके लिए कैमरा अच्छा रहेगा कि नहीं। इसमें आपको नॉच डिजाइन देखने को मिलता है, ये वैसे कोई बहुत मेजर कॉन नहीं है, ज्यादा इस बजट रेंज में आपको सभी फोन्स में नॉच डिजाइन ही देखने को मिलेगा। इसमें आपको स्लो रिफ्रेश रेट मिलता है, जी हाँ, इसमें जैसे कि मैंने बताया 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जिसकी वजह से आपको इतना अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, एंड गेमिंग के लिए भी इसकी वजह से इतना अच्छा फोन नहीं रहेगा। ये गेमिंग प्लेबल है क्योंकि प्रोसेसर एक डिसेंट है, अच्छा गेमिंग करा सकता है, बट इतना अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलने वाला है गेम्स के अंदर भी। ऑल्दो देखा जाता है कि इस प्राइस रेंज में कंपनियां बड़े ही आराम से 90 हर्ट्ज तक अफोर्ड कर लेती हैं डिस्प्ले में, बट यहाँ पे वीवो ने कॉस्ट कटिंग की है। इसके साथ ही साथ इसमें 5000 मिली एम्पीयर बैटरी है एंड 18 वॉट का इसमें आपको चार्जर देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं मतलब स्लो चार्जिंग होती है बैटरी की, आराम से आपका 2 से 2.5 घंटा लग जाएगा फोन को फुल चार्ज करने में। इसके अलावा एक और जो मेजर कॉन है वो है ये ब्लोटवेयर और एड से भरा हुआ है। वो अलग बात है कि आप कुछ ब्लोटवेयर्स को हटा सकते हैं या फिर डिसेबल कर सकते हैं एप्स को, बट या बजट फोन्स में ज्यादातर ये देखने को मिलता है कॉमन चीज। तो क्या इस फोन को आपको बाय करना चाहिए कि नहीं? देखिए, मैं कहूंगा काफी बैलेंस फोन है और रियल में वैल्यू फॉर मनी फोन है ये। फोन वो ले सकते हैं जो कि एक
एक बैलेंस्ड फोन देख रहे हैं बजट में और एक अच्छा मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस चाहते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 6GB या 8GB रैम वेरिएंट के साथ ही जाइए। इसमें आपको भले ही वर्चुअल रैम का सपोर्ट जरूर मिलता हो बट 6GB और 8GB रियली में वर्थ इट रहेगा और सिर्फ 1000 का ही प्राइस डिफरेंस है। इससे बेटर फोन सेम प्राइस रेंज में रहेगा आपके लिए इन्फिनिक्स हॉट 35G। कई महीनों में इन्फिनिक्स हॉट 35G इस वीवो T2X से बेटर है। मैंने इन्फिनिक्स हॉट 35G के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके चेकआउट कर लीजिए उस वीडियो को, वहां से आपको काफी अच्छा आइडिया लगेगा। आने वाले टाइम में मैं दोनों ही फोन्स के ऊपर वीवो T2X और इन्फिनिक्स हॉट 30 के ऊपर कंपैरिजन वीडियो बनाऊंगा, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीवो T2X का बेस्ट बैंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नोट करने वाली बात है कि अलग अलग वेबसाइट पे प्राइस इसके अलग अलग है, तो जो सबसे कम प्राइस में आपको ये फोन मिल रहा है वो लिंक मैंने मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे जरूर चेकआउट कीजिए जाके एंड इस फोन को आप बाय जरूर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अपना फीडबैक हमको कमेंट्स में दीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।